बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के लेसन के अंदर हम नए सिरे से लेवल A1 का जो है वो पहला लेसन है हमारा। तो इसके अंदर हम जो कोर्स डिस्कस कर रहे हैं वो है यूनुस एमरे का कोर्स। इससे पहले हम इस्तंबुल या बांजी लारिचिन जो किताब लार हैं उनसे कोर्स डिस्कस कर रहे थे, और इस मीटिंग के अंदर हम क्या करेंगे, यूनुस एमरे का कोर्स डिस्कस करेंगे। और इसके अंदर जो हमारे पास चैप्टर 1 है बिरिंजी उनीते, उसका टाइटल जो है वो है तनश्मा। लेकिन इसके अंदर जो पिक्चर लगी हुई है उसके ऊपर क्या लिखा हुआ है, मेरहबा मेरहबा। तो एक दूसरे को जैसे सलाम हम करते हैं उसी तरह से तुर्की ज़ुबान के अंदर मेरहबा का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। उसके अलावा सलामुन अलैकुम सलाम भी बोलते हैं, और हमारी तरह अस्सलाम वालेकुम भी आप बोल सकते हैं, उनको समझ आ जाती है। तो बिरिंजी उनीते तनश्मा तारुफ करना, और इसके अंदर ख़ास तौर पे जो तनश्मा होता है वो जो अननोन पर्सन्स होते हैं, जो जिनको आप जानते नहीं होते, उनके साथ अपना तारुफ करवाना और फिर उनसे उनका तारुफ सुनना कि वो कौन है। इसके अंदर हमारे पास जो ये पिक्चर लगी हुई है ये एक लोकेशन है इस्तांबुल, बोआज इस्तांबुल के अंदर, और इसके बारे में जो बोआज होता है वो क्या होता है, समंदर के अंदर ऐसी जगह जो थोड़ी सी तंग होती है उसको बोआज कहते हैं, गले की शक्ल का होता है तो उसको बोआज कहते हैं। और ये यहाँ पे इस्तांबुल बोआज की जगह पे तस्वीर ली गई है। इसके अलावा और भी बहुत सारे हैं जैसे बोआजिची और भी हैं काफ़ी ज़्यादा, आप लिटरेचर के अंदर देखते रहेंगे। इसके अंदर जो पार्ट्स हैं उसके अंदर बोलूम लेयर, बोलूम कहते हैं सेक्शंस को, हिस्से जो हैं उसमें तीन हिस्से हैं। पहला मेरहबा जैसे हमने ऊपर देखा, उसके बाद नेरे लिसिनिस, आप कहाँ के रहने वाले हैं, किस मुल्क के रहने वाले हैं और मुल्क के अंदर किस शहर के रहने वाले हैं, दोनों तरह से पूछने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। सलाम लाशमा, सलाम दुआ करना, ग्रीटिंग्स के मानी में इसको लेते हैं। उसके बाद है बिजेरी लेयर, स्किल्स महारतें जो आप पहले चैप्टर को कंप्लीट करने के बाद सीख लेंगे। उसके अंदर तनश्मा, अपना तारुफ करवाना अगले से करना, और उसके बाद सलाम लाशमा, सलाम दुआ करना, विदा लाशमा, अलविदा करना, कैंदी ने तनश्मा, अपने आप का तारुफ करवाना, अपने आप को प्रेजेंट करना, फॉर्म दुलदुरमा, फॉर्म भरना, जो छोटे छोटे से फॉर्म होते हैं जिसके अंदर आप अपना नाम, फादर नेम, और उसके अलावा जैसे आपका जो कॉन्टैक्ट नंबर है वो, या रेजिडेंशियल एड्रेस है वो, इस तरह से जो मुख्तसर सी मालूमात हैं वो बताने के लिए जो फॉर्म हो वो आप फिल इस चैप्टर के एंड पे कर पाएंगे। उसके बाद है दिल बिलगिसी, दिल बिलगिसी ग्रामर को तुर्की ज़ुबान के अंदर दिल बिलगिसी बोलते हैं। इसके अंदर आप पहले चैप्टर के अंदर क्या क्या चीज़ें सीखेंगे, बू शू ओ बुरस शुरस ओरस ओरस, और इसके अलावा बुरद शुरद ओरद, ये चीज़ें भी इसी के अंदर सीखेंगे। बू हर के अंदर, हर एक के अंदर जहाँ पे बू आएगा उसका मतलब होगा करीब, शू थोड़ा दूर और ओ ज़्यादा दूर। अब बू शू ओ जो है वो हम ऑब्जेक्ट को जो है पूछने के लिए कि वो क्या है उसके लिए इस्तेमाल करते हैं, और इसके अलावा इंसान के लिए भी हम इस्तेमाल करते हैं। इंसान किसी का नाम पूछने के लिए बू किम, उसके साथ हम किम का इस्तेमाल करेंगे, वो भी इसी चैप्टर के अंदर आप सीख लेंगे। उसके अलावा जब बुरस शुरस और रस आ जाता है तो वो होता है किसी जगह के बारे में पूछने के लिए कि ये कौन सी जगह है, और ये कौन सी जगह है, वो कौन सी जगह है। और उसके अलावा जो बुरद शुरद ओरद है, ओरद वो है, उसके साथ हम बुलुनमा एक ही लगा के वो लोकेशन बताते हैं, जो यहाँ पे हमने ऑब्जेक्ट का या किसी ख़ास तौर पे हम ऑब्जेक्ट की बात करते हैं, क्योंकि लोकेशन बताने के लिए हम ऑब्जेक्ट का ख़ास तौर पे बताते हैं, लेकिन बाज़ औक़ात इंसान के लिए भी बताया जा सकता है वो कहाँ पर है। तो उस लोकेशन बताने के लिए जो हम इस्तेमाल करेंगे उस वक़्त बुरादा शुरादा ओरादा होगा। उसके बाद
यहाँ पे है म, म कहते हैं सोरुएकी को। सोरुएकी के अंदर ये यहाँ पे हमने फोर वे वॉवल हार्मनी भी इंशाल्लाह इसी चैप्टर के अंदर सीख लेंगे। उसके बाद है देइल। देइल जो नेगेटिव में जवाब देना हो, मनफी जवाब हो, सवाल में जो पूछा गया हो उसके अगेंस्ट जवाब हो, तो उस सूरत में देइल का इस्तेमाल होता है। इसको भी हम सीखेंगे और इसकी प्रैक्टिस भी करेंगे। वार और योक, वार मौजूदगी को जाहिर करने के लिए, योक उसकी अदम मौजूदगी को जाहिर करने के लिए। उसके बाद बुलुन्मा हाल की, जैसे मैंने पहले बताया, ये लोकेशन जाहिर करने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट की खास तौर पे। लेकिन उसके साथ साथ हम बिलोंगिंग जाहिर करने के लिए कि किसी चीज़ की बिलोंगिंग के वो किसकी है या किसके पास है, उस सूरत में भी हम इसका इस्तेमाल करते हैं। सैलार नंबर्स को बोलते हैं। चोकलुक एकी जो है वो हम वाहिद जमा बनाने के लिए जो एकी इस्तेमाल करते हैं। सफिक्स हम इस्तेमाल करते हैं, लाका हम इस्तेमाल करते हैं, उसको चोकलुक एकी भी कहते हैं, चोल एकी भी कहते हैं। और इसी तरह बुलुन्मा हाल एकी को बुलुन्मा दुरुमु भी कहते हैं, बुलुन्मा एकी भी कहते हैं। उसके बाद है कलीमे लहर। जो अल्फाज आप इस चैप्टर के अंदर सीख पाएंगे उसके अंदर मरहबा है, उसके बाद सनफ क्लास है, उसके बाद उल्के मुल्क के नाम, और उसके बाद गुनाइदन। गुनाइदन कहते हैं सुबह बखैर को, होशकल जो अलविदा करने के लिए हम होशकल और गुले गुले का इस्तेमाल करते हैं, और इसका डिफरेंस दोनों में क्या है वो भी हम इंशाल्लाह सीखेंगे। उसके बाद आ जाता है उनीते ये हाजर लक। इस यूनिट के लिए तैयारी, यूनिट की तरफ तैयारी आप कह सकते हैं, इसका एग्जैक्ट अगर माना बनाएं। और इसके अलावा दूसरी बुक्स के अंदर हाजर लक चलिश्मा से भी लिखा होता है तैयारी का मुतालिया, या अपने आप को तैयार करने के लिए पढ़ाई या मेहनत, सारे मानी में उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद आता है मरहबा। मरहबा जैसे पहले बताया सलाम के मानी में इसको इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद अदनज ने, आपका नाम क्या है, नेरेलिसिनिस, आप कहाँ के रहने वाले हैं, नासलसनस, आप कैसे हैं, इन इनके ये मानी हैं। उसके बाद आ जाता है आप बोलूम। इसके अंदर आपको जो है वो रिकॉर्डिंग के साथ बोलने की प्रैक्टिस यहाँ पे क्लास के अंदर करवाई जाती है। आप बोलूम, मरहबा, ए हिस्सा, ए सेक्शन, मरहबा। उसके बाद है दिनले इल्म, बिरिंजी सोरू, दिनले इल्म, तकरार ला इल्म, सुनते हैं और दोहराते हैं। मरहबा, मरहबा उसका उसकी मेन हेडिंग है। उसके बाद है मरहबा, एक तरफ दरिया है और दूसरी तरफ मुराद है। मरहबा इस तरफ से ये बोलता है मरहबा, बेनी मदम दरिया, ये अपना नाम बताती है, और उसके बाद बेनी मदम मुराद। उसके बाद ममनून ओल्दुम, बेंदे ममनून ओल्दुम, मुझे खुशी हुई है, मुझे भी खुशी हुई है। उसके बाद है कुनुश्मा ये तमाम लालम, जो बातचीत है उसको मुकम्मल करते हैं। अब मैं जो हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं उनमें से किसी से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो इस चीज़ को मुकम्मल करवाएं। जी अनाया, हाँ जी, आपने मुझे कहा है ना? जी जी, स्टार्ट करें। खनुष्माया तमाम लायलम, लेट्स फिनिश द कन्वर्सेशन कंप्लीट। कंप्लीट, हाँ जी। मरहबा दरिया, दरिया मरहबा, मुराद मरहबा। नासुसन, मुराद बन इम, सन नासुसन। अच्छा, इसमें जो है ना अभी हम उस तरफ नहीं गए, हमने इसी को ही कंप्लीट करना है। अच्छा, जो ऊपर अभी हमने किया ना उसी से ही। अच्छा, मेरे पास असल में बुक नहीं आज, लेकिन अच्छा चले। दरिया बेनिम आदम दरिया, सेनेन सेनेन आदने या सिज सिजन आदनेस ने। जी, आगे से पूछा जा सकता है लेकिन हम चूंकि ऊपर से ही देख के कर रहे हैं तो हम सिर्फ उसको देखते हुए कंप्लीट कर लेंगे। जी आगे। बेनिम आदम मोरत,
Nasılsınız? वो मुराद ये क्योंकि जी अच्छा बेने मदम मुराद तक काफी है, आगे जाके ये सीखेंगे नसल सनस वगैरह उसके बाद आएगा। अच्छा ठीक है, सर मैंने बुक खोल लेती हूँ, मैं थोड़ा सा उसके बाद चले मैं करवा देता हूँ। दरिया जो है वो मेमनून उल्दुम बोलेगी और उसके बाद जो मुराद है वो भी बेंदे मेमनून वो बोलेगा बेंदे मेमनून उल्दुम। अब दोनों में जो डिफरेंस है वो क्या है, एक ने पहले ने जो बोलना है बोला है मेमनून उल्दुम और उसके बाद जैसे हम कहते हैं मुझे खुशी हुई है तो बेंदे मेमनून उल्दुम मुझे भी खुशी हुई है। उसके बाद अच्छा इसके अंदर जो एक और चीज मैं बता रहा हूँ इसको ज्यादा आपने मतलब स्ट्रेस नहीं लेनी, इसमें आगे जाके हम ये सीखेंगे। इसके अंदर कुनुश्मा ये खाली जो बात बातचीत होती है उसको या बोलना होता है उसको हम कहते हैं कुनुश्मा, लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है कुनुश्मा ये, तो ये जो अ लगा हुआ है ये स्पेसिफाई करने के लिए कि ये वाला कुनुश्मा जो है इसको हमने मुकम्मल करना है। और उसके अंदर जो ये आया है ये एज बफर लेटर हम इस्तेमाल करते हैं दो वॉवल के दरमियान। तो उसके बाद हम आगे मूव करते हैं, इसके अंदर है अगेन दिल में ही है उचुंजू दिल्ले अलम ओकियालम सुनते हैं और पढ़ते हैं तनशालम तारुफ करवाते हैं, यानी दो लोग आपस में अब तारुफ करवाएंगे। उमर मेरहबा देनिस मेरहबा बेनिम अदम देनिस सिजिन अदनिस ने मेरा नाम देनिस है आपका नाम क्या है, उमर बेनिम अदम उमर मेरा नाम उमर है देनिस मेमनून ओल्दुम मुझे खुशी हुई है, उमर बेन दे मेमनून ओल्दुम मुझे भी खुशी हुई है, देनिस नसल सनस उमर तशक्कुर एदरिम इयीम सिज नसल सनस आप कैसे हैं, मैं ठीक हूँ आपका शुक्रिया आप कैसी हैं, देनिस तशक्कुर एदरिम बेन दे इयीम आपका शुक्रिया मैं भी ठीक हूँ। तो अब आएगा कि हम आगे जाके इस चीज की नसल सनस और अदनस ने इस सारे की नीचे प्रैक्टिस करेंगे उसको अरेंज करेंगे। ओके आलम पढ़ते हैं अदनस ने आपका नाम क्या है, अहमद मेरहबा बेनिम अदम अहमद मेरहबा मेरा नाम अहमद है मुराद मेरहबा अहमद बेनिम अदम मुराद मेरहबा अहमद मेरा नाम मुराद है, अहमद मेमनून ओल्दुम मुझे खुशी हुई है, मुराद बेंदे मेमनून ओल्दुम मुझे भी खुशी हुई है। अब है तमाम लायलम सिरा लायलम इसको मुकम्मल करते हैं और दूसरी तरफ है तरतीब देते हैं। तो आप में से कोई पार्टिसिपेट करना चाहेगा इसके अंदर, मायूरी जी करें मैं कर सकता हूँ एक मिनट मुझे मायूरी एक मिनट वेट कीजिएगा, अब्दुल मुईज करना चाह रहे हैं तो हम इनसे करवाते हैं जी। किसको करेंगे पहले, ये वाला है तमाम लालम मुकम्मल जोन से दिया है चलें इससे करें। आयशे मरहबा यास्मीन मरहबा आयशे बनम अदम आयशे सिजन अदनिस ने बिल्कुल यास्मीन बनम अदम यास्मीन आयशे मेमनून ओल्दुम यास्मीन बेंदे मेमनून ओल्दुम आयशे नसल सनस या Yasmin teşekkür ederim iyiyim siz nasılsınız Ayşe teşekkür ederim ben de iyiyim Uske baad ye wala ab siral alam humne tartib deni hai aur main order mein inko ha bilkul order mein karna hai sabse pehle merhaba likha hua hai to humne uske jawab mein kya bolna hai merhaba uske baad बेनिम अदम आयशे सिजन अदनिस ने बिल्कुल और फिर बेनिम अदम यास्मीन बिल्कुल फिर सिलसनस
teşekkür ederim. İyiyim. Siz nasılsınız? Teşekkür ederim. Ben de iyiyim. Nasılsınız ke baad aa gaya? Teşekkür ederim. İyiyim. Siz nasılsınız? Theek hai. Uske baad teşekkür ederim. Ben de iyiyim. Uske baad memnun oldum. Memnun oldum. Aur phir ben de memnun oldum. Ben de memnun oldum. Jazakallah. इस तरह से हमने क्लास को कंटिन्यू करना है. आप लोगों में से जो कर सकता हो उस एक्सरसाइज को वो कहे कि मैं पार्टिसिपेट करना चाहता हूँ. अच्छा जी, अब आ जाता है उकुयालम. पढ़ते हैं सीजे तनश्तरईम. अब इसके अंदर पीछे हमने पढ़ा तनश्मा, लेकिन यहाँ पे क्या है तनश्तरईम. इसका मतलब ये है कि एक थर्ड पर्सन जो है वो दो लोगों के दरमियान तारुफ करवाएगा, तो उसको कहते हैं तनश्तरईम. एक है तनश्मा, दो लोगों का आपस में तारुफ करवाना, और तनत्मा, कैंदी में तनत्मा उसके साथ आ जाता है कि अपने आप का तारुफ करवाना. तो इस तरह ये तनश्मा और तनत्मा और तनश्तरमक, इन तीनों के दरमियान ये डिफरेंस है. और एक होता है तनमक, उसका मतलब होता है जानना, किसी के बारे में पहले से मालूमात होना कि वो कौन है. अच्छा, यहाँ पे आ जाता है मुराद मेरहबा यारन. मेरहबा यारन उसका नाम है, यारन मेरहबा मुराद नसलसन. मेरहबा मुराद, कैसे हो तुम? मुराद तशक्कुर एदरिम इयीम सेन नसलसन, आपका शुक्रिया, या मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, मैं ठीक हूँ. सेन नसलसन, तुम कैसे हो, तुम कैसी हो? अब एक चीज यहाँ पे आपको दोबारा मैं बताना चाहूंगा कि तुर्की जुबान के अंदर मेल और फीमेल का ग्रामर के अंदर डिफरेंस नहीं रखा जाता. लिखे हुए से आपको पता नहीं चलेगा ये मेल के लिए बोला गया या फीमेल के लिए बोला गया, लेकिन अगर आपके सामने फोटोज हो या नाम का आपको आइडिया हो ये मेल का है और ये फीमेल का है, तो उससे आप गेस करेंगे और उस तरह से उसको ट्रांसलेट करेंगे, उसका तर्जुमा करेंगे. तुम कैसी हो? यारन तशक्कुर एदरिम बेंदे ईयीम, मैं शुक्रिया अदा करती हूँ, मैं भी ठीक हूँ. मुराद सीजे तनश्तरईम, मैं आप लोगों का तारुफ करवाता हूँ. वो अहमद, ये अहमद है, और इतना बताते साथ ही आगे से यारन बोल पड़ती है. बेंदे यारन, मैं भी यारन. तनश्तरमजा मेमनून ओल्दुम, जो हमारा आपस में तारुफ हुआ है उससे मुझे खुशी हुई है. यहाँ पे तनश्तमजा, एक होता है बुलुशमक गुरुशमक, तो यहाँ पे है तनश्तमजा. तनश्मक से हमने बनाया, तो हमारा जो आपस में तारुफ हुआ है उससे मुझे खुशी हुई है. अहमद बेंदे मेमनून ओल्दुम, मुझे भी खुशी हुई है जी. तो अब बताइएगा कि जो ये दिनजी है इसमें कौन पार्टिसिपेट करना चाहेगा, ये कौन सॉल्व करवाएगा? आप जो येतेबे वाले हैं कोशिश करें आप लोग पार्टिसिपेट करें, अगर आप नहीं करेंगे तो उस सूरत में बाकी लोगों से हम कह के उनसे करवाएंगे जी. अब्दुल मईज, आप मैं कर सकता हूं, बट अगर कोई और मतलब करें. अच्छा, करम मरहबा आइला मरहबा नसलसन. ये दिन जी मैं ऊपर से पढ़ देता हूँ. ये दिन जी तमाम लालम मुकम्मल करते हैं. नसलसन, तुम कैसे हो या तुम कैसे हो? चलें आगे. करम मरहबा आइला मरहबा नसलसन. करम तशक्कुर अदरम इयीम सन नसलसन आइला तशक्कुर अदरम बेन दीयीम. करम सने अर्कदशमला तनश्तरईम बु कमाल आइला मेमनून ओल्दुम कमाल मैं बेंदे मेमनून ओल्दुम. लेकिन उसने अपना नाम नहीं बताया, नाम बताना चाहिए था. चलें, ओकियालम कार्शिलकले कुनुशालम. पढ़ते हैं और दो लोगों का आपस में कार्शिलकले, एक दूसरे के आमने सामने खड़े होके बातचीत करते हैं. कार्शिलकले खड़े होना जरूरी नहीं है, बस एक दूसरे के आमने सामने बातचीत करते हैं. तनिश हमजा मेमनून ओल्दुम, हमारा जो आपस में तारुफ हुआ है उससे मुझे खुशी हुई है. मेरवे मेरहबा एमिने,
Hemine merhaba Merve. Benim adım Merve. Sizin adınız ne? Hemine. Benim adım Emine. Merve. Tanıştığımıza memnun oldum. Hemine. Ben de memnun oldum. Merve. Görüşmek üzere. Emine iyi günler. अब यहाँ पे जो नई चीज आई है वो क्या है? Görüşmek üzere. फिर मिलते हैं. इस सोच के साथ हम एक दूसरे से, ये आप आगे जाके ग्रामर आएगा स्पेसिफिकली उसके अंदर ये चीज आप पढ़ेंगे, ये उजरे और मक और मैक के साथ ये हम इसका इस्तेमाल करते हैं, तो उसका क्या मानी क्या होता है. तो यहाँ पे आप इतना समझ ले कि हम ये कह रहे हैं कि फिर मिलते हैं. ई गुनलैर, आपका दिन अच्छा हो. उसके बाद है कामी. गुनाइदन एरिको. एरिको गुनाइदन कहते हैं सुबह बखैर को. एरिको उसका नाम है. एरिको गुनाइदन कामी नसलसन. सुबह बखैर कामी. कैसी हो तुम? कामी तशक्कुर एदरीम ईयीम सेन नसलसन. एरिको बेंदे ईम सेनी हाना इले तनश्तरईम. तुम्हें तुम्हारा हाना के साथ तारुफ करवाती हूँ. कामी मेमनून ओल्दुम हाना. हाना बेंदे मेमनून ओल्दुम. मुझे खुशी हुई है हाना. बेंदे ममनून ओल्दुम. मुझे भी खुशी हुई है. उसके बाद आ जाता है अगेन दिनले में है. दिनले इलम तकरार है दिलम. सुनते हैं और दोहराते हैं. अब यहाँ पे क्या है? अल्फा बे की हमारी प्रैक्टिस है और उसके साथ कुछ वोकैबुलरी भी बिल्ट अप करेंगे, मीनिंग भी सीखेंगे. फर्स्ट लेटर को हम किस तरह से प्रोनाउंस करते हैं? आ आ. इसको ए नहीं बल्कि आ. इनका ए जो है ई को हम ए बोलते हैं तुर्की जुबान के अंदर. आ अत. अत बोलते हैं घोड़े को. अन्ने वालदा को बोलते हैं. अराबा गाड़ी को बोलते हैं. उसके बाद है बालक. बालक बे बालक मछली को बोलते हैं. बिलेत बिलेत टिकट को बोलते हैं. बारदक ग्लास को बोलते हैं. उसके बाद है जे. जे सी को जे करके बोलना है. जे जे जुजदान. जुजदान जुजदान कहते हैं पर्स को. जेब जेब ये पे की जगह हम बे लगा दें तो जेब बन जाएगा. उर्दू के अंदर जेब और तुर्की जुबान के अंदर जेब. उसके बाद है जाम. जाम शीशे को बोलते हैं. उसके बाद है चिचक. चिचक चिचक चे चिचक चिचक फूल को बोलते हैं. चांता चांता बैग को बोलते हैं. चाय 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 को ही बोलते हैं. उसके बाद है दे. दे दोमातेस. दोमातेस टमाटर को. दोमातेस. उसके बाद है दर्स. दर्स 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 को सबक को भी बोलते हैं, क्लास को भी बोलते हैं. उसके बाद है दुवार. दुवार दीवार को बोलते हैं. उसके बाद है ए. एल्मा एल्मा ए. एल्मा सेब को बोलते हैं. उसके बाद है एकमेक. एकमेक ब्रेड को रोटी को बोलते हैं. एल 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 हाथ को बोलते हैं. उसके बाद है फे. फील 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 हाथी को बोलते हैं. उसके बाद है फारे. फारे फारे चूहे को बोलते हैं. उसके बाद है फरन. फरन फरन बेकरी को बोलते हैं. उसके बाद है गे. गे गोजलुक. गोजलुक गोजलुक ग्लासेस को. ऐनक को गोजलुक. उसके बाद है गुनेश. गुनेश गुनेश सूरज को बोलते हैं. उसके बाद है गोमलेक. गोमलेक गोमलेक शर्ट को बोलते हैं. उसके बाद है बुआ. बुआ बुआ ये इसके अंदर अब क्या है? अगर यहाँ पे देखें तो गे है और ये यहाँ पे
जो ऊपर थोड़ा सा कैप का साइन बना होता है वो है युमुशाक्गे, 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 युमुशाक्गे से कोई भी वर्ड स्टार्ट नहीं होता, ये दरमियान में ही आता है। और इससे क्या होता है, थोड़ी सी आवाज लंबी हो जाती है, इसकी अपनी कोई साउंड नहीं है। बाज़ औक़ात जो उर्दू जुबान में समझाते हैं तो उसमें ये भी कह देते हैं कि गईन की जैसी आवाज आती है, लेकिन ज्यादातर जो है वो इसका ऐसे ही है कि सिर्फ आवाज लंबी हो जाती है, गईन की एग्जैक्ट आवाज गईन के जैसी नहीं आती। बुआ 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 सांड को बोलते हैं, उसके बाद है ओरेंजी ओरेंजी ओरेंजी, स्टूडेंट को तालब इल्म को बोलते हैं, उसके बाद है यामुर यामुर यामुर, बारिश को बोलते हैं। उसके बाद है हे हे, हास्ताने हास्ताने हास्ताने, हॉस्पिटल को बोलते हैं, अस्पताल को बोलते हैं। उसके बाद है हर्फ हर्फ, अब कलिमे बोलते हैं लफ्ज को और हर्फ जो है वो हर्फ ही है। उसके बाद है हावलू हावलू हावलू, तौलिए को बोलते हैं। उसके बाद है इशक इशक इशक, लाइट को रोशनी को बोलते हैं। उसके बाद है इरमक इरमक इरमक, जो है वो सूजी को भी बोलते हैं, और उसके अलावा जो स्ट्रीम या दरिया कह लें जो समंदर के अंदर गिर रहा होता है उसको इरमक बोलते हैं। उसके बाद है इजगरा इजगरा इजगरा, अ अ करके इस लेटर को बोलना, आपने आई नहीं बोलना, अ अ अ, इशक इशक, और इसको इस तरह से समझे कि ना ही जबर की आवाज है ना ही जेर की, बल्कि उसके दरमियान की, अ अ इशक इशक इशक, इरमक इजगरा इजगरा कहते हैं ग्रिल्ड को। उसके बाद है इंजीर इंजीर, ई करके बोलते हैं इसको, अगर अलग से प्रोनाउंस करें तो ई, इंजीर 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 को ही बोलते हैं। उसके बाद है इंटरनेट इंटरनेट इंटरनेट, इंटरनेट को इंटरनेट। उसके बाद है इनेक इनेक इनेक, गाय को बोलते हैं। उसके बाद है जे जपोनिया जपोनिया जपोनिया, जे जैसे उर्दू के अंदर जे जाला बारी होता है ना, जाला बारी, उसी तरह से जे, ना ही ये ना ही जे, उसकी दरमियानी सी आवाज जे, जपोनिया। उसके बाद जोके जोके, जोकी को इंग्लिश में जोकी है, और जो हॉर्स राइडर होता है उसको बोलते हैं, घुड़सवारी करने वाला। और उसके बाद है जिलेत जिलेत जिलेत, सेफ्टी को बोलते हैं। उसके बाद है खास तौर पर आप कह सकते हैं इरेजर को बोलते हैं, जो सेफ्टी रेजर इस्तेमाल होता है उसके अंदर ब्लेड उसको। उसके बाद कोपेक 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 के कोपेक कोपेक कोपेक, कुत्ते को बोलते हैं। उसके बाद है खालेम खालेम खालेम, कलम को बोलते हैं खालेम। उसके बाद है खिताब खिताब खिताब, इसकी भी पे की जगह पे हमने बे लगा देना तो किताब बन जाएगा। उसके बाद है ले लिमोन लिमोन लिमोन, ले लिमोन, लेमन को लिमू को लिमोन लिमोन। उसके बाद है लोकांता लोकांता, ले लोकांता, होटल को बोलते हैं लीरा लीरा लीरा, जो हम रुपया बोलते हैं तो ये लीरा लीरा, और जो पैसा होता है उसको कुरुश बोलते हैं इनके यहाँ कुरुश। उसके बाद है मासा मासा मे मासा मासा, मेज को बोलते हैं। उसके बाद है मुतफाक मुतफाक मुतफाक, किचन को बोलते हैं मेवे मेवे मेवे, जो फ्रूट्स होते हैं उनको मेवे फल।
अब उसके अंदर जैसे पहले भी बताया था कि ड्राई फ्रूट हो या फ्रेश फ्रूट हो, दोनों को मेवे करके ही बोलते हैं। जो ड्राई होगा उसको कुरू मेवे। उसके बाद है नार, नार, ने, नार, नार, अनार को नार। उसके बाद है नोकता, 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 नुक्ते को नोकता। उसके बाद है नाल, 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 जो हॉर्स शू होता है, जो घोड़े के पांव के नीचे जो लोहे की पतरी सी लगती है उसको नाल बोलते हैं। उसके बाद है ओतोबुस, ओतोबुस, ओतोबुस। अब ये ओ जो है ये इंग्लिश वाला ओ उसी की तरह ही प्रोनाउंस होता है, ओतोबुस, ओतोबुस। बस को ओतोबुस, और ओदा, 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 कमरे को बोलते हैं ओकुल, 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 स्कूल को बोलते हैं। उसके बाद आ जाता है नुक्तों वाला ओ, 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 ये गले के निचले हिस्से से हमने इसको अदा करना होता है, ओ, 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 ये थोड़ा सा मुश्किल है ये, और ई, ई, ये दोनों थोड़े से मुश्किल होते हैं, इसकी ज्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा। और देख, और देख, और देख, बतख को और देख। इसी तरह ओ देव, ओ देव, ओ देव, घर का काम होमवर्क। और नेक, और नेक, और नेक, जो एग्जाम्पल होती है, मिसाल होती है उसको और नेक। उसके बाद है फे, फारा, फारा, जो पैसा होता है उसको, जैसे हम कहते हैं इतने पैसे, तो उस सूरत में फारा, फारा, ये वो वाला पैसे नहीं जो एक रुपए के अंदर आगे हम पैसे कहते हैं, उस तरह से नहीं, बल्कि फारा एक जनरल जो टर्म इस्तेमाल होती है उसकी तौर पे। उसके बाद है फेंजेरे, 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 जो खिड़की होती है उसको फेंजेरे। उसके बाद है पिलाव, पिलाव, बिल्कुल सही कह रहे हैं, मनी, मनी के तौर पे हम इसको ले सकते हैं, उसको रुपया, इसको मनी। उसके बाद है पिलाव, पिलाव, पिलाव हम बोलते हैं, तो ये पिलाव, पिलाव। उसके बाद है रेडियो, 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 रेडियो को रेडियो, और रे करके प्रोनाउंस करना है। उसके बाद है रैंक, 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 रंग को रैंक, रूज, 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 लिपस्टिक को रूज। उसके बाद है सात, 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 घड़ी और घंटे को बोलते हैं। उसके बाद है सनफ, 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 क्लास को बोलते हैं। उसके बाद सू, 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 पानी को बोलते हैं। लास्ट मिनट चल रहा है, क्लास ड्रॉप हो जाएगी, तो हम नेक्स्ट टाइम फिर यहीं से आगे, जहां पे ड्रॉप होगी वहीं से आगे स्टार्ट करेंगे। शे, शाप का, शे, शाप का, शाप का, कैप को बोलते हैं। शे, शीशे, 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 बोतल को बोलते हैं। उसके बाद शे, शेकर, शेकर, शुगर को बोलते हैं, चीनी को। उसके बाद है ते, तोप, 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 बॉल को बोलते हैं। ते, टेलीफोन, टेलीफोन, टेलीफोन को बोलते हैं। ते, तारक, 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 कंगी को, कॉम को।